चलिए एक आखिरी, बस आखिरी सुन लीजिए, नज़मी है। यहाँ स्वागत है सर। ऐसे बड़े हज़रत साहब हैं और राहत साहब हैं, इनके सामने गज़ल सुनाने के लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, तो नज़मी ठीक है। ये खेल क्या है? हाँ, बहुत अच्छा है, अद्भुत है। ये खेल क्या है? इसमें मेटाफर तो शतरंज है, लेकिन जाहिर है कि बात कुछ और। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है, मगर मैं कब से सफ़ेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफ़ेद मोहरों को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या हैं। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या है, हारना क्या है, न ये ज़रूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है। मैं सोचता हूँ जो खेलना है तो अपने दिन में यकीन कर लूँ, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो वजीर सचमुच के हैं प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूं ये खेल कब है। ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज। कोई ये कहता है जैसे मुझसे, ये जंग भी है ये खेल भी है, ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे के जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे के जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वजीर ही को है बस इजाजत कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। क्या बात है भाई साहब, वाह। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। मैं सोचता हूं अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है, अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूं, मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में।